नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम पांडे अप टू डेट न्यूज़ से, और हमारे साथ शहडोल के ट्रैफिक सहकर्मी विवेकानंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में इनकी ख्याति है अपने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। तो सर से हम जुड़े हुए हैं, हमारी यात्रा के दौरान सर मिले। सर, जो ये ट्रैफिक व्यवस्था है, इसको लेकर आपको प्रदेश के लिए क्या मैसेज, आपने शहडोल में तो दुरुस्त कर रखा है। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी दुरुस्त नहीं है, जो एकदम सही बात बता रहा हूँ। शहडोल शहर अभी क्या है कि कहते हैं ना, उभरता हुआ खिलाड़ी, उसी तरीके से उभरता हुआ हमारा शहर है। तो लोगों में अभी उतना ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है। एक एक व्यक्ति को हमको समझाने की भी ज़रूरत है, और जो शहर के जागरूक लोग हैं और नादानी दिखा रहे हैं, नियम पालन नहीं कर रहे हैं, उनके कड़ाई से पालन कराना, सख्ती के साथ पालन कराना ज़रूरी है। तो उस पर चल रही है अभियान के तहत, देखते हैं आप, अब पहले टू व्हीलर पे हेलमेट मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था पूरे शहडोल में, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और कुछ डर के मारे भी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में हमने चालान वगैरह करवाया है, तो काफ़ी सुधार आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोग और जागरूक होंगे और नियम का पालन करेंगे। अच्छा, जब ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक कर्मी के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब वो चालान बनाते हैं तो एक बात आ जाती है कि चाचा विधायक है हमारे, आपके साथ ऐसा कुछ होता है? देखिए क्या है ना, कि सिफारिश तो करते हैं लोग, अपने देश में सिफारिश करते रहते हैं लोग, पर हमें अगर हम पे कार्रवाई करना है, देखिए मैं अक्सर देखा हूँ कि अगर हम चालानी कार्रवाई पे हैं और हमने संभावना सभी के साथ एक भावना ले आए, चालान करना शुरू कर देना, तो कसम से कोई भी बहस नहीं करता। फिर अगर हमने एक मेन आदमी जो कहे चाचा विधायक है, मंत्री कुछ भी है, मैटर हो एक्स वाई जेड कुछ भी कहे, उनका हमने सबसे पहले चालान करना है। अगर उनका हमने चालान कर दिया तो फिर कोई बहस नहीं करने वाला, और सब लोग हंसते हंसते चालान करा के चले जाते हैं, और गलती को मानते भी हैं और दोहराते भी नहीं। तो ये बिल्कुल एक समता की भावना होनी चाहिए, रूल्स सभी के लिए हैं, उसके लिए कोई पद और वो नहीं। अच्छा, आपको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आपके अंदर मैं एक अपनी साइड से एक स्प्रिंट की भावना देखता हूँ कि आप UPSC जैसे सिविल सर्वेंट में आप जाएं, तो क्या आपका इस क्षेत्र में रुचि है क्या? क्षेत्र में रुचि थी और परीक्षाएं भी दिए, अब असफलता हाथ में आई, प्रयास काफ़ी किए, तो ये निश्चित तौर पर हर एक भारतीय का सपना होता है। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगता है तो वो IAS IPS तो बनना चाहता है, कि देश की सबसे सर्वोच्च सेवा है। तो अब उसमें नहीं जा पाए हैं और जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वक्त नहीं रह गया है, पर जहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ तो ऐसा काम करूं, ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहूं, हमेशा ऐसे ड्यूटी करूं कि लोग कहें, जो निकले तो यही कहे कि वाह यार, ये तो मतलब एक उस लेवल का है, IAS IPS लेवल का है। अच्छा, आप जब ये ट्रैफिक कर्मी की बात आती तो आदमी कहता है कि मतलब एक सिटी में जो है, मतलब ट्रैफिक, मतलब हवलदार, छोटे मतलब छोटे सिपाही कर्मियों को उतना इज्जत नहीं दी जाती, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब इन कामों को लेकर आदमी आप खुद भी सिविल सर्वेंट और या ट्रैफिक कर्मी इतना जिम्मेदारी से काम नहीं निभाते, लेकिन आपके साथ देखा गया है आप बखूबी काम पूरी जिम्मेदारी से निभाते, इसके पीछे किसी की प्रेरणा रही है या खुद? नहीं, ये बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। देखिए हमारे देश में जगह जगह पर हर चौराहे पर पुलिसकर्मी जहाँ जहाँ तैनात होते हैं, तो 100 में से 90% पुलिसकर्मी कड़ी धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। हाँ, सबका तरीका अलग अलग है, मेरा कुछ तरीका अलग था, और मैं जागरूकता के हिसाब से मैंने लोगों को समझाइश देना शुरू किया, और वीडियो वगैरह के माध्यम से लोगों में मतलब एक जनचर्चा, मैं चाहता था कि घर घर पे ट्रैफिक पे चर्चा हो, और इसलिए वीडियो का सहारा मैंने लिया। पर ऐसा नहीं है, हमारे बहुत, देखिए मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ और एक इस इकाई का एक मतलब न्यूनतम, जिसको कहते हैं दशमलव रूप पे, एक अंश हूँ, और देश में हमारे विभाग में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, तो देश जो है सभी को मिलाकर चलता है, तो ऐसा नहीं है। और एक प्रेरणा मुझे जो मिली है वो मेरे हमारे इंदौर पे हैं रंजीत सिंह, उनका नाम सुने होंगे, और उनका काम भी एकदम, कितनी भी बारिश क्यों ना हो और ट्रैफिक रेगुलेट करते रहेंगे, और उनका एक अलग स्टाइल है सुपर डांस करके ना, तो बहुत बेहतरीन है। मैं एक्चुअली उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ एक तरीके से, और मैं लगभग 7-8 साल से अपने शहडोल में वो व्यवस्था बना रहा था, ट्रैफिक लाइट के बारे में लोगों को बता रहा था, और लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मुझे, ये मैं अपने
इस शहडोल की पब्लिक को भी बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे कि अभी और कितना काम करना बाकी है ट्रैफिक व्यवस्था में, लोगों के लिए जागरूकता के लिए कितना काम करना बाकी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये हमारा जो शहडोल क्षेत्र है वो ट्राइबल एरिया है, पूरा ट्राइबल है, और ट्राइबल एरिया में शहरी क्षेत्र को तो में तो लोग जागरूक हो चुके हैं, बस कुछ ही बचे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हमारा आज भी बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आपसे बताएं, आप यात्रा में ही है तो आप आगे जाके देख भी सकते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको ट्रैफिक का कुछ भी नहीं पता। वो पता चला वो गाड़ी भी लेके आए हैं तो किसी दूसरे की मांग के आते हैं और बाज़ार में जाते हैं या अस्पताल वगैरह के लिए आते हैं, और ऐसे में उनको पकड़ के हम चालान कर दें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनको पहले जागरूक किया जाए, उनको जानकारी होना चाहिए, और जानबूझ के कोई अगर नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रदेश के जो युवा हैं वो ज़्यादा स्पीड, ओवर स्पीडिंग करते हैं, गाड़ी में ज़्यादा साउंड का यूज़ करते हैं, इनके लिए कोई मैसेज है? ओवर स्पीडिंग देखिए, ये तो जो हमारी रोड सेफ्टी अथॉरिटी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति है, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ओवर स्पीडिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में। क्योंकि जब आप तेज़ गति से चलते हैं ना, आप कभी खुद रियलाइज़ कीजिएगा कि आपको कभी जल्दी हुई होगी तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको हर शख्स गलत समझ में आता है, अरे ये क्यों आ गया अभी यार, इसको भी अभी आना था, ये क्या हो गया। और आप मान लीजिए गाय रोड क्रॉस कर रही है, कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, तो ना गाय को देख पाओगे ना कुत्ते को देख पाओगे, और आप यही कहोगे अचानक कुत्ता आ गया, अचानक गाय आ गई। अचानक नहीं आते हो क्या, प्रकट थोड़ी होते हैं वो। तो मैं ये सभी से अपील करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अचानक जो शब्द है वो तब आएगा जब आप ओवर स्पीडिंग में चलते हैं, तो तेज़ गति से वाहन बिल्कुल ना चलाएं मेरे प्यारे साथियों। चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सर के पास भी वक्त बहुत कम है, हमारे खूब सारे सवाल हैं जो आगे चल के हम सर से पूछेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।